ना, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर फोर्थ. सॉल्व करो, सॉल्व दिस. फाइंड डी वाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, एंड सेकेंड बी ऑप्शन है y इज इक्वल टू टेन ऑफ e टू द पावर x प्लस वाई. सॉल्व दिस. क्या आंसर आ रहा है आपसे बताओ, फर्स्ट का cos x plus y डी वाई डी अपॉन एक्स इज वन इक्वल टू कितना आ रहा है, cos cos x plus y प्लस वाई. हाँ, वन माइनस cos x plus y अपॉन वन माइनस cos x plus y. cos x प्लस वाई, है ना, ऐसा है. तो ये हो गया ये चीज. और बी बी बताओ, बी कितना आएगा, हाँ, बी डी वाई डी एक्स e रेस टू x plus y. कितना आ रहा है, तो e रेस टू x प्लस वाई ई रेस टू एक्स x प्लस प्लस वाई, हाँ, इनटू सेक्स स्क्वायर इनटू सेक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो नहीं e रेस टू x प्लस वाई ई टू पावर एक्स प्लस वाई, अपॉन वन माइनस ये चीज वापस वन माइनस यही ये. पूरा न्यूमरेटर ना, प्लस वाई सेक स्क्वायर ई टू पावर एक्स प्लस वाई. थिंक अबाउट इट, क्या यही आ रहा है? अरे तुम्हारा भी यही आया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, कौन सा, मैं एक्सप्लेन करूं क्या कोई इसमें? नहीं हो है गया, हो गया ना. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप. ये हो गया. कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, 11 12 एंड 13, है ना, 11 12 एंड 13. पहले इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है. देखो कैसे नहीं. करेंगे, चलो मैं बता देता हूँ करना कैसे है, अपना आंसर मैच कर लेगा. देखो हाँ इसमें u इंटू वी रूल लगेगा ना, तो सर वही कह. x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस y इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है. हाँ नाउ अब डी वाई वाई डी एक्स इधर ले आओ, तो डी वाई वाई डी एक्स यदि हम कॉमन ले लें तो कितना आएगा बताओ, माइनस थ्री एक्स वाई माइनस स्क्वायर 3y² इज इक्वल टू कितना, 3x² माइनस वाई. हेंस डी वाई वाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x² माइनस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस थ्री अपॉन वाई स्क्वायर. एक्स माइनस 3y². तो मेरा ऐसे मेरा वाई माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस एक्स बेसिकली हाँ माइनस तो वन. सेम ही है ना, माइनस करोगे तो ऊपर नीचे सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. यदि डी वाई बाई डी एक्स तुम इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो तुम्हारा वाला आंसर आ जाएगा, है ना, नेक्स्ट. ऐसे सम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना. हाँ मतलब प्रोडक्ट रूल भी आ गया, वाई भी आ गया, है ना इसमें. अच्छा ये कर लो, 12 एंड 13 इनका भी आंसर निकाल लो जल्दी से फटाफट. 12 एंड 13 12 एंड 13 एक बताओ क्या आंसर आ रहा है, 12th का आंसर बताओ कितना आ रहा है, 12th का आंसर इज cos x y माइनस वन. डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, cos x y माइनस वन कॉस एक्स वाई माइनस वन, अपॉन वन माइनस वन माइनस x cos x y. एक्स कॉस एक्स वाई, यही आ रहा है एरन. सर नहीं, मैंने वो सम गलत किया, मैं वापस करता हूँ. ओके चलो मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कैसे. जैसे ये 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स. अच्छा अब साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स वाई इंटू, अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है. अच्छा ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हाँ प्लस वाई कॉस कॉस एक्स एक्स वाई, है ना, ऐसा हो गया. अब इसको उधर ले जाओ तो डी वाई बाई तो डी एक्स सो 1 ऊपर बस माइनस, क्या
बस मेरे आंसर में वो y cos x y नहीं, y आना चाहिए इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई माइनस वन। हाँ देख लो, अच्छा हुआ मैंने सॉल्व कर लिया है ना, तो ये आंसर आएगा। तो मैंने लिखा भी था, बोला नहीं। हाँ ठीक है, मैं हो गया मुझसे, मैंने कर लिया वरना मैं आगे बढ़ जाता। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 13 भी देख लेते हैं, 13 का आंसर क्या आएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, पहले तो इसका डिफरेंशिएट मार दे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई इनटू वन प्लस एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, वन प्लस डी वाई बाई डी। क्या डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिख दे, है ना, एक डी वाई बाई डी एक्स वाला इधर आएगा तो, और ये एज इट इज रह जाएगा, तो ये sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन अपॉन वन माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। आप चाहे तो इसको टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ यू विश यू कैन, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। माइनस स्क्वायर आ जाएगा ना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, चेक दिस आउट, क्या ये सही है, मैंने ठीक लिखा। हाँ, हाँ, कैसे देखो, ये कितना हो जाएगा, माइनस टेन, माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई है ना, तो टेन स्क्वायर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, जिस ये कट हो जाएगा और ये साइन कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा 14th, हो जाएगा 14th एंड 15th, 14 15 16 ये सारे करने ही है, वन वन बाई वन सॉल्व देम वन बाई वन, 14 15 16 तो अच्छा बताओ इसका आंसर कितना है 14 का, cos x plus y minus 3x square upon 3y square minus cos of x plus y। चलो मैं कर देता हूँ अपना आंसर मैच करना, ठीक है, ये 3x square plus 3y square into dy by dx is equal to, ये कितना हो जाएगा cos of x plus y है ना, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके जाता हूँ और वन को इधर ही छोड़ता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वन टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई माइनस, इसको इधर ले जाओ थ्री एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस है ना, तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस cos x plus y, यही आएगा, ये 14th हो गया, मैच किया आंसर आपसे, अच्छा 15th देख लेते हैं क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 is equal to, अच्छा अब इसमें u into v रूल लगेगा, तो सर नहीं मैंने क्या किया, मैंने x y, सो हाँ बताओ क्या किया, ऐसे करूँ क्या, मैंने x by y equal to log x y ले लिया। हाँ कर सकते हैं तो, लेकिन फिर क्वेश्चन रूल तो और थोड़ा गंदा होता है, नहीं ऐसे करते हैं। हाँ आंसर सेम आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, हाँ बताओ क्या आंसर आ रहा है, बता दो, x माइनस y dy by dx इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x माइनस y, x माइनस y अपॉन अपॉन x टाइम्स x इनटू 1 प्लस log xy, वन प्लस लॉग एक्स वाई है ना, हाँ यही आ रहा है क्या, हाँ ओके चलो अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है, अभी क्या किया देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया इज इक्वल टू, पहले वाई का डिफरेंशिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स, और अब ln ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्लस क्या आ जाएगा, वाई अपॉन ln एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन प्लस प्लस
एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके ओके, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये आएगा। हाँ हाँ तो वही, क्या मैंने गलत बोला, लिखा करें। हाँ अब ये कट कर देते हैं तो कितना आएगा, वन इज इक्वल टू एल एन एक्स वाई डी वाई बाई डी प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस प्लस डी बाय डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। हाँ तो इसका मतलब है कि डी वाई डी एक्स को इधर रखते हैं, इनको उधर ले जाते हैं, तो डी तो वाई मैंने डी उसको एक्स एलसीएम भी लिया, मैंने वन माइनस वाई बाय एक्स एल एन माइनस वाई बाय, एक्स वाई वन प्लस एल एन एक्स वाई इक्वल टू वन माइनस वाई बाई एक्स ना। तो मैंने उसको ऐसे लिखा एक्स माइनस वाई बाय एक्स। हाँ सही तो आया तुम्हारा आंसर, कुछ गलत थोड़ी ना है, सही हाँ आया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स टाइम्स वन प्लस वन एल प्लस एक्स। एल एन हाँ बिल्कुल हाँ सही जवाब है, ठीक है चलो आगे हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर 16th सॉल्व करो, इफ साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम साइन ए प्लस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। प्रूव करो जल्दी से फटाफट इसको। सर एक मिनट, प्रूव दिस। नहीं आ रहे ना, चलो बता देता हूं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, देख लेते हैं। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है ना, ऐसा है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा इसमें यू वी रूल लग जाएगा, यू वी रूल तो ये पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस वाई प्लस एक्स कॉस डिफरेंशिएशन वन प्लस कितना एक्स, इसका एक्स डिफरेंशिएशन कॉस कॉस ए प्लस वाई ए ना प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या डी यही वाई आएगा, बाई डी एक्स। है ना। अब एक काम करते हैं, पास डी वाई बाई हाँ डी एक्स साइड लेके आ जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये साइन ऑफ ए प्लस वाई ए प्लस अपॉन अपॉन वन माइनस एक्स इस कॉस पे ए चले प्लस आते हैं, वन तो कॉस वाई माइनस कॉस वाई माइनस कॉस ए एक्स प्लस वाई, कॉस ए प्लस वन, यही आएगा ना, हाँ सही है। कितना आया, आई होप कि इतना तो सबको आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे आएगा, ऐसा कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो इसमें, इसको इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, इसमें ए प्लस वाई है, ए है लेकिन एक्स नहीं है, तो किसी तरीके से एक्स गायब करना है, तो एक्स इससे गायब करेंगे इसकी हेल्प से, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन वाई अपॉन हाँ साइन ए प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे बताओ, एक्स की जगह साइन वाई अपॉन साइन साइन ए प्लस वाई और इंटू इंटू कॉस ए प्लस वाई, चलेगा। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर मल्टीप्लाई होगा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन, यहाँ पे ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, वॉइस ब्रेक हो रहा है, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, अभी आवाज आ रही है, ठीक है। तो इतना समझ आया क्या ये वाला सिचुएशन, है ना। अब देखो क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस
कॉसे साइन वी, ये फॉर्मूला पता है किसका है? तो ये साइन कितना हो जाएगा, ए प्लस वाई माइनस वाई, क्या ये ए आ जाएगा? हैंस प्रूव्ड हो गया, समझ आया नहीं? समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, वी हैव अनदर क्वेश्चन सिमिलर टू दैट. अच्छा आप 19 करो, बिल्कुल ऐसे ही है, सिमिलर टू, ये आ जाना चाहिए आपसे. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. आ गया ना ये, कोई डाउट इसमें है ना? कोई दिक्कत नहीं, प्रूव भी करना था तो आ जाएगा ये. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन. अच्छा एक और टाइप है 17th, सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मैंने कर लिया, मैंने वो क्वेश्चन देखा, तो मैंने इसमें बस अंदर वाले को वाई से रिप्लेस, और मैं मेरा अभी हो गया, सो वो इजी हो जाएगा ना. अच्छा 18th क्वेश्चन सॉल्व, मैंने 17th सॉल्व कर लिया, सेम आंसर. हां 18th सॉल्व इट, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18. सो y + 1 / x. हाँ करो करो, सॉल्व दिस. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो वापस वो इंटरनेट थोड़ा x equal to y plus, हाँ हाँ बिल्कुल, x equal to y plus 1/x आ जाएगा, ऐसे ही लिखोगे? think about it, क्या इतना ठीक है? x equal to y plus 1/x, क्या इतनी इस बात समझ आए? ये जो लिखा ना इसकी जगह, इसकी जगह पर्टिकुलर इसकी x पुट कर देंगे, है ना? ये इनफाइनाइट टाइम है ना, इनफाइनाइट साइकिल है, तो इसकी जगह x पुट कर देता है, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो x के रिस्पेक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो तो कितना आएगा? x square, x square equal to x y minus 1, ऐसा आ जाएगा. अब अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा? 2x is equal to x dy / dx plus y, है ना? और प्लस वन, वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो dy / dx कितना आ जाएगा? dy / dx is 2x minus y upon x. अब क्वेश्चन ये है कि इतना तो सबको आ जाएगा, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे कैसे, ये कैसे मिलेगा? तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2x minus y into 1/x लिख सकते हैं? हाँ. तो ये जो 1/x है ये पुट कर देंगे यहाँ पे, 2x minus y, 1/x की जगह क्या x minus y पुट कर सकते हैं? हाँ. तो ये कितना हो जाएगा, 2x square minus xy minus 2 minus 2xy plus y square, तो कितना हो जाएगा ये, dy / dx is equal to 2x square minus 3xy plus y square, hence proved. हो गया ना, यही तो प्रूव करना था हमें, क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चलो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सर एक मिनट में आता हूँ. हाँ हाँ